सब तो पहले मैं गुरु रविदास जी महाराज के पवित्र स्थान नूं सिर झुका के नमस्कार करता हूं। जो बोले सो सतगुरु रविदास महाराज जी के ते सारे संसार नूं देशवासियों नूं गुरु रविदास जी महाराज के जन्म दिहाड़े की लख लख बधाई। गुरु रविदास जी महाराज के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दर्ज उन्हां दी सोच ते ही देखो श्रोमणी अकाली दल भी उसी सोच से चलता है, सिख धर्म की सोच भी उही है। सिख धर्म च अपने गुरु साहिबान ने सानू जिहड़ी मेन गल सिखाई है कोई जात पात नहीं हो सकता जी, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं। सिख धर्म किते इस गल नहीं कहता नहीं कि कले सिख का भला पड़े, वो सरबत के भले की गल करते। सो जिहड़ी अज देश विच जिहड़ी सोच चाहीदी है वह गुरु रविदास जी महाराज की दसी हुई सोच ही कामयाब हो सकती है, क्योंकि हले तक भी जिस सोच न लैके चले सी हले वो सोच पूरी हुई नहीं है। मैनू बड़ी खुशी है कि मेरे पिता श्री प्रकाश सिंह बादल जदों भी मुख्यमंत्री बनते वो इक्को ही सोच लेके अपनी सरकार चलाउंदे कि जिवें गुरु साहिबान ने कहा सरबत दा भला, सारे दे भले की गल करते, सारे धर्मां दा सत्कार करते। मैनू याद है सारे धर्मां दे पवित्र दिहाड़े जदों आउंदे साहब प्रकाश सिंह बादल आप जाके उस पवित्र स्थान च आप उन्हां संगत नाल बह के मनाउंदे। जे कोई मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री उहदी सोच ही ऐसी होनी चाहीदी है, कल्ले एक धर्म की नहीं, एक वर्ग की नहीं, एक क्लास की नहीं, समुचा मानस की सोच होनी चाहिए है। तुसीं देखिया होना साहब प्रकाश सिंह बादल, मैनूं याद है मैं उत्थे नाल हुंदा सी, उन्होंने फैसला किया कि मैं सारे धर्मां दे पवित्र स्थान जो है मैं बहुत खूबसूरत बनाने। गुरु रविदास जी महाराज का स्थान रालगढ़ उत्थे शुरू किया काम, पर अफसोस अगली सरकार नहीं कर सकी। दुर्गियाना मंदिर किया, गुरु अपने राम तीर्थ किए, भगवान वाल्मीकि बहुत पवित्र स्थान सजाया। मैनू एक गल होर भी याद है, एक दिन साड़ी कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी ते बादल साहब तलवंडी साबो तो आए ते आने सार उन्होंने कहा जी मैं होर फैसला कर लग्या। असीं कहा जी की फैसला है, कहिंदा अज मैं गुरु की नगरी तलवंडी साहब गया, तलवंडी साबो गया, एक बजुर्ग माई मैनू मिली, कहिंदी सानू बादल साहब इक्को एक ख्वाहिश रह गई है, असीं तीर्थ ते जाना चाहुंदे हां, साडे कोल कोई साधन नहीं, असी अपने तीर्थ स्थान किवें जाइए। तो बादल साहब ने कहा चलो अज तो मैं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा शुरू करना। उस दिन मैं याद है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा शुरू की, जो हर ट्रेन पंजाब के हर जिले चो मतलब बनारस हर रोज हर हफ्ते एक बार इतने आती सी, हर धर्म स्थान जिते है हजूर साहब जाती सी इतने जाती सी, जिते जिते लोग कहते संगत कहदियां सी उत्थे ट्रेना चलाईयां। सो जिहड़ी सरकारां होनी चाहीदियां उन्हें सोच भी आई होनी चाहीदी है, आ सोच जे जिहड़ियां सरकारां एक धर्म दे सिर ते एक जात दे सिर ते जे उह सरकारां चलाउणगे सही मायने ते उह गुरु रविदास जी महाराज दे सोच नाल नहीं चलदियां। इस करके अज साडे वास्ते मेरे वास्ते खास करके मेरे पिता ने मैनूं सुनेहा दित्ता कि संत महापुर नरेंद्र दास जी का बहुत मेरे पिता बादल साहब का बहुत संबंध है, स्थान ना बड़ा संबंध है। मैनूं याद है जो मुख्यमंत्री रहे है, पहले मुख्यमंत्री है भी जो नहीं होंदे सी लगातार इस स्थान नाल जुड़े सी, आउंदे सी महापुरखां तों आशीर्वाद लैंदे सी, ज्ञान लैंदे सी, उन्हां दी जो उन्हां दे मैसेज हुंदा सी उहनूं समझदे सी, उहदे हिसाब नाल अमल करदे सी। ते अज मैनूं मौका मिलिया, बड़ी देर दी मेरी ख्वाहिश सी कि मैं बनारस आके पवित्र स्थान ते आके मत्था टेका आशीर्वाद लवां, ते मैं परमात्मा दा शुक्रान करता है कि अज इस शुभ दिहाड़े ते मौका मिलिया कि परमात्मा दे इस पवित्र स्थान रविदास जी महाराज दे इस पवित्र स्थान ते आके
गुरु रविदास जी महाराज तो आशीर्वाद लैन का मैं मौका मिले। मैं सारिआं नूं फिर तो लख लख बधाई दिना उन्हां जन्म दिहाड़े दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।